मणिपुर के मेतेई बहुल कांगपो के जिले में मंगलवार रात हुई हमले में 9 लोगों की जान चली गई, 10 लोग घायल हुए। पुलिस ने बताया कि करीब 1 बजे कांगपोकी से सटे खामोक लोग गांव और इंफाल पूर्वी जिले में हमला किया गया। हमलावर अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। मारे गए सभी लोग खामे लोग गांव के हैं। इस घटना के अलावा मंगलवार को विष्णुपुर जिले में भी मंगलवार को हिंसा हुई। यहाँ फेगाक चौ इखाई गांव में कुकी समुदाय के लोग मेतेई इलाकों में बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कुकी लोगों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई। इधर मणिपुर की महिला गन सर्वाइवर्स नेटवर्क की फाउंडर बिना लक्ष्मी नेपराम ने दावा किया कि कांगपोकी के खेमलोक में हुई गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हुई है और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। सोमवार रात भी खेमनलोक इलाके में गोलीबारी हुई थी जिसमें 9 लोग घायल हुए थे। हिंसा के चलते राज्य में इंटरनेट 15 जून तक बढ़ा दिया गया है बैन। कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील भी दी गई है। नॉर्थ ईस्ट की कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज मणिपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। शर्मा शाह को मणिपुर के ताजा हालात की रिपोर्ट देंगे।